बीएससी मैकेनिक्स एंड वेव मोशन से यूनिट नंबर 4 ऑसिलेशंस एंड वेव से आज हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम। चलिए जी, टाइम पीरियड ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम, तो फॉर्मूला क्या था भाई इसका, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल जी। ठीक है, एल जी, एल क्या था भाई, डिस्टेंस था किसका, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और के क्या था भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन किसके अबाउट भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। अच्छा जी, जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या हो, ऑसिलेशंस की क्या हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या हो, एल डैश हो, तब जो हमारा के स्क्वायर बाई एल होगा वो कितना हो जाएगा, एल डैश। दैट इंप्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू एल एल डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी सेकंड आ गई, ये फर्स्ट थी। अच्छा जी, इफ यहां से आगे, इफ टी इज मिनिमम देन के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस एल, सॉरी के स्क्वायर बाय एल प्लस एल शुड बी मिनिमम। चले जी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। ठीक है, के स्क्वायर बाय एल प्लस एल भी क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा जब हमारा टी क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। ठीक है, हटा दो भाई, अब इसको नोट कर लियो, बेसिक सा टॉपिक था ये, करा दिया मैंने। कोई और टॉपिक हो भाई उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट के स्क्वायर बाय एल प्लस एल विद रिस्पेक्ट टू एल। चलिए, डी बाय डी एल ऑफ डी बाय डी एल ऑफ के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल कितना हो जाएगा भाई, के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस प्लस वन। ठीक है भाई, वन अपॉन एल का हो गया माइनस के वन अपॉन एल स्क्वायर, और एल का हो गया यहाँ पे वन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है भाई टाइम पीरियड मिनिमम के लिए, ठीक है, टाइम पीरियड कब मिनिमम होगा, जब ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है भाई, तो इस वैल्यू को जीरो रख देते हैं, तो यहाँ पर के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस, यहाँ से भाई जो है के स्क्वायर है इसको लिख लो इधर, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल एल डैश होता है, मतलब बाकी से नोट कर लिया, हटा देंगे जगह बन जाएगी, और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ऐसे कर लो भाई, माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एलसीएम ले लिया। ठीक है भाई, दैट इम्प्लाइज माइनस के स्क्वायर बराबर माइनस के एल स्क्वायर, ये इधर चला गया, ये तो भाई पहले से ही जीरो में था, ये प्लस के एल स्क्वायर इधर माइनस में चला गया, एल स्क्वायर तो चला गया, तो जीरो में ही हो जाएगा, तो के स्क्वायर आ गया भाई एल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड से ये सेकेंड इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी, तो यहाँ से भाई पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, सीरियल वाइज यहाँ तक, चलो भाई हटा दे इसको, इसको भी हटा, यहाँ के बाद फिर यहाँ से नोट करो, फ्रॉम सेकेंड एल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि के स्क्वायर क्या है, एल एल डैश है, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से भाई सेकेंड एंड थर्ड से कर लो, ऐसा लिख लो सेकंड एंड थर्ड से, के स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे के स्क्वायर क्या है, एल एल डैश, तो एल स्क्वायर बराबर एल एल डैश, यानी कि एल बराबर एल डैश आ गया। एल क्या थी भाई, डिस्टेंस थी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की, कहाँ से भाई, सी जी से, और एल डैश क्या है भाई, ऑसिलेशन की डिस्टेंस है भाई, कहाँ से भाई, सी जी से, तो क्या हो गया, दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है हमारे, कौन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन
और आपका ऑस्किलेशंस, तो हमारा इस इक्विडिस्टेंस के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इट मींस दैट, ठीक है भाई, इट मींस दैट, इट मींस दैट द टाइम पीरियड विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम व्हेन व्हेन ठीक है एंड lessons are equidistant, equal distance पर है वो from the center of gravity C G, time period हमारा क्या हो जाएगा, minimum हो जाएगा कब, जब point of suspension और आपका उसके लेसन क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे सी जी से, ठीक है, एल किसके बोलो एल एस के, टाइम पीरियड ऑफ